नमस्कार, भक्ति वचन में मती के हमारे अध्ययन के सातवें सप्ताह में आपका स्वागत है। हम इस सप्ताह मती अध्याय 6 के दूसरे भाग को देखेंगे। हम यीशु के लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार में भाग ले रहे हैं, जिसे सर्मन ऑफ द माउंट यानी कि पर्वत उपदेश भी कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि जीवन की उन महत्वपूर्ण चीजों का प्रबंधन कैसे किया जाए जिसका सामना हमें प्रतिदिन करना पड़ता है। हमने अध्याय 5 में कुछ शुरुआत में देखा कि किस स्वर्ग के राज्य के हिसाब से हमारे मनोभाव कैसे होने चाहिए, उनके अपने मनोभावों को हम कैसे प्रबंधित करें, फिर दूसरों के साथ अपने संबंधों को, रिश्तों को हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। पिछले सप्ताह हमने इस बारे की में बात की कि परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को और कैसे प्रगाढ़ बनाएं, कैसे प्रबंधित करें। पिछले सप्ताह में हमने जो बात की उसी का स्मरण दिलाते हुए मैं आपके लिए पद 16 से 18 तक पढ़कर सुनाता हूँ। यीशु ने सिखाया, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पिछले हफ्ते क्योंकि हमने प्रार्थना और ईश्वर के साथ संबंध के बारे में बातचीत कर रहे थे, हमने देखा कि ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को स्वस्थ रखता है वो है प्रार्थना और धर्म में अच्छे काम, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं परंतु ईश्वर के संबंध, उसके साथ प्रेम को इजहार करने के लिए है, दूसरों को प्रभावित करने या ईश्वर को भी प्रभावित करने के लिए नहीं है। और यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यीशु की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हम कितनी जल्दी इस बात से चूक जाते हैं, दूर हट जाते हैं और हम दिखावे में आ जाते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में आ जाते हैं और एक सादगी भरे प्रेम संबंध को हम छोड़ देते हैं। तो यह था पिछला सप्ताह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्रबंधित करने के बारे में। ये सप्ताह हमारी संपत्ति, आपके खजाने, आपके धन, आपकी संपदा के प्रबंधन को लेकर है। पता है, अगर आप अपने धन संपत्ति को प्रबंध नहीं करते, धन संपत्ति का प्रबंधन नहीं करते हैं तो धन संपत्ति आपका प्रबंधन करना शुरू कर देती है। धन संपत्ति आपके जीवन का नियंत्रण ले लेती है। एक महान वित्तीय सलाहकार ने आर्थिक बंधन, आर्थिक बेरियों के दक्ष 10 लक्षणों के बारे में बताया। वो 10 लक्षण जो बताते हैं कि कैसे पैसा लोगों को नियंत्रित करता है, कैसे वो पैसा धन लोगों को अपनी बेड़ियों में जकड़ लेता है। वो अपने धन का प्रबंधन नहीं पर धन उनका प्रबंधन कर रहा है, ये समझ में आता है। पहला, बकाया बिल। दूसरा, जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश, उसका मनोभाव। काम करने की इच्छा की कमी। तीसरा, चौथा, पैसे को लेकर धोखाधड़ी, बेईमानी। पांचवा, लोभ यानी अधिक, हमेशा अधिक पाने की चाहत, लोभ। छठा, पैसों के लिए जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत, सिर्फ पैसे के पीछे भागना। सात, कंजूसी यानी देने में असमर्थता महसूस करना। आठ, विलासिता का जीवन जीना। नौ, पैसा होने के कारण स्वयं को बहुत ताकतवर महसूस करना। और दसवां, पैसा न होने की स्थिति में नाराज होना, कुरकुराना। जाहिर है कि ये सभी 10 हम में से सब किसी पे प्रत्येक पे लागू नहीं होते, यह हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उनमें से 2 या 3 भी आप पर लागू होते हैं तो इस सप्ताह जो हम बात करने वाले हैं उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी आजादी है, बहुत बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव है, क्योंकि यहाँ यीशु वित्त के बारे में, धन के बारे में सिखाने वाले हैं, जिससे आपकी व्यग्रता, चिंता, एंग्जाइटी काफी कम हो सकती है। एक मायने में यहाँ ये विचार है कि हम धन संपत्ति ज्यादा उसके बारे में सही मनोभाव रखें। धन संपत्ति अच्छी है, उसके बारे में सही एटीट्यूड रखना, सही मनोभाव रखना और ज्यादा जरूरी है। हमें संपत्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए इस हफ्ते हम 5 विशिष्ट निर्णय, 5 फैसलों के बारे में बात करेंगे, उनको हम देखने जा रहे हैं जिन्होंने यीशु ने हमें अपनी धन संपत्ति के संबंध में प्रोत्साहित किया है। ये फैसले हैं जो आपको चिंता से मुक्त कर देंगे, आपको आनंद के एक नए स्थान पर ले जाएंगे और इनमें से प्रत्येक निर्णय एक प्रश्न, एक सवाल से शुरू होता है। पहला फैसला ये है जिससे प्रश्न ये है कि मेरा खजाना कहाँ पर है, मैंने अपना खजाना कहाँ रख छोड़ा है, मैं अपना धन कहाँ संचय कर रहा हूँ। इसको मैं निवेश का निर्णय बोल सकता हूँ। मैं कहाँ अपने धन को संचय कर रहा हूँ, कहाँ उसको निवेश कर रहा हूँ। यीशु ने 19 से 21 पद में सिखाया,
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु यहाँ आपके निवेश के फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। हर स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर ही जानता है कि आपकी वित्तीय क्षमता आपके निवेश की सुरक्षा पर आधारित होती है, और यीशु यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि एकमात्र निश्चित और सुरक्षित निवेश का स्थान है शाश्वत निवेश। सांसारिक खजाने में अनिवार्य रूप से नष्ट होने वाला है। अब जो भी इस धरती पर रख छोड़ेंगे वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु स्वर्ग के निवेश वो हमेशा बना रहता है। जॉन रॉकफेलर बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद किसी ने उनके चीफ अकाउंटेंट से पूछा कि वो कितना अपने पीछे छोड़ गए। चीफ अकाउंटेंट ने जवाब दिया, सब कुछ। वो सब कुछ अपने पीछे छोड़ गए। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि आपके मरने पर आपका उत्तर भी यही हो। वे कहते हैं कि अपना धन, अपना खजाना स्वर्ग में जमा करो, जहां आप अनंत काल के लिए वो सुरक्षित रहेगा। आप रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। कौन सबसे अच्छा है मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि विशेषज्ञों का भी इसके अंदर अलग अलग मत, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं उस सामान्य सिद्धांत को जानता हूँ जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। सबसे अच्छा निवेश वह है जो आपके धन के लिए सबसे लंबी अवधि में सबसे अधिक रिटर्न लाता है। यही सबसे अच्छा निवेश है। तो मैं आपको अनंत काल में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर की योजना में निवेश करें, परमेश्वर के लोगों में निवेश करें, अपने आप को, अपनी संपत्ति को उसमें निवेश करें जो हमेशा के लिए रहेगा। यीशु के अनुसार यह आपकी संपत्ति के प्रबंधन को लेकर पहली शिक्षा है। आप अनंत काल में बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं। कैसे? अधिक देकर। जी हाँ, अधिक देकर। देने के स्वस्थ मनोभाव को लेकर कल बात करेंगे, ठीक है ना? अब आइए आज निवेश पर ध्यान देते हैं। यीशु निवेश के बारे में हमें क्या सिखाते हैं? वह बताते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे आप कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यह मुद्दा व्यक्तिगत रूप से हम में से प्रत्येक के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है। वे 21 में कहते हैं, जहाँ धन होगा यानी खजाना होगा, वहीं पे तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय होगा। मेरा दिल, आपका दिल आपके खजाने का अनुसरण करता है, जहां आपने उसे धन को निवेश किया है। आप चाहे या ना चाहे, आपका हृदय वही रहेगा जहां आपका खजाना है। तो अपने दिल को सही जगह पर रखने के लिए आपको अपने धन सही जगह पर निवेश करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं, तो यीशु ने यह सिखाया है और मुझे यीशु पर भरोसा है। इसलिए मुझे पता है कि उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता जो वो हर दिन यीशु हमें सिखाते हैं। मैं इस बारे में निर्णय ले रहा हूँ कि मैं अपना खजाना कहाँ जमा करने वाला हूँ, और जब मैं इस निर्णय की कल्पना कर सकता हूँ तो मैं अपने दिल की दिशा और अपने जीवन की दिशा के बारे में निर्णय ले रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपका दिल बदलना। कैसे बदलेंगे अपना दिल, अपना हृदय? अपना दिल बदलने के लिए आपको अपने दिल का केंद्र बिंदु बदलना पड़ेगा, और यीशु हमें बताते हैं कि कैसे। जहाँ खजाना है वहीं आपका दिल भी होने वाला है। आप अपने जीवन को देखिए। अगर आपको लगता है, ओह मेरा दिल सही जगह पे नहीं है, सही दिशा पे नहीं है, मुझे अपना रवैया, अपना मनोभाव पसंद नहीं आ रहा है, मुझे वह पसंद नहीं है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मुझे अपने जीवन की दिशा पसंद नहीं है, तो मैं अपने दिल का केंद्र बदल सकता हूँ, अपने धन को, अपने खजाने को पुनः वितरित करके, एक री इन्वेस्ट करके, एक अलग जगह पर निवेश कर। यह है आपके निवेश का निर्णय। जब हम इस सप्ताह धन संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु ने हमें इस बारे में क्या सिखाया है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह बहुत से लोगों के लिए एक बहुत दर्द का क्षेत्र है। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो मैं कुछ समय उन लोगों की परिस्थिति को लेकर प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं अभी आर्थिक संघर्ष में नहीं हूं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर क्या आप मेरे साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आर्थिक संकट में हैं? शायद खुद के लिए फैसलों के कारण या किसी और के लिए हुए निर्णय के कारण वो तंगहाली में है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे?
और मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अभी आर्थिक संघर्षों में हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं अभी उन लोगों के लिए जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी वजह से हो, हम अपने आप को या किसी और को दोष नहीं दे रहे, पर हम तेरी ओर देखते हैं। हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु, आपकी चंगाई चाहिए अपने आर्थिक परिस्थिति में। प्रभु, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे पास बहुत है। कुछ लोग शायद संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप में सफल है, पर प्रभु सत्य है कि तू हमें सिखा रहा है वो हमारे भीतर गहराई तक जाए, क्योंकि ये सत्य हमारे जीवन के किसी भी समय पर सत्य है। तो हम अपने आप को एक बार फिर प्रतिबद्धित कर रहे हैं अनंत काल के लिए, स्वर्ग में निवेश करने के लिए। और जब हम स्वर्ग में निवेश करते हैं, तब हमारे हृदय में परिवर्तन आता है और जीवन की दिशा बदलती है। तो प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम दोष न लगाते हुए शांति और भरोसे से तेरी ओर देखें। हमारी आवाज जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए शांति और हिम्मत की आवाज बने। हम बता कि आज किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं, और ऐसा करने की उदारता हम में आए। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम इस सवाल के बारे में बात करेंगे कि अपनी आंखों को कहां केंद्रित करूं मैं, अपनी दिलचस्पी का निर्णय, जिसलिए मैं स्वर्ग में अपना निवेश सही से कर सकूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।